बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे धान के बाद जो हमारी गंदम हम काश्त करते हैं उसमें आबपाशी हम किन मराहल में करेंगे। तो काश्तकार भाइयों, पहला पानी जो है वो 30 से 45 दिन बाद हम लगाएंगे, क्योंकि धान के जो वड होते हैं उसमें वत्तर ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसलिए गंदम की जो फसल है उसको पहला पानी कदरे लेट लगाया जाता है, ताकि ज़मीन नरम रहे और जड़ों को जो हवा का उसका मरहला है वो उससे मुनासिब उसको फराहमी मिल सके। तो दूसरा पानी जो है वो बुवाई के 80 या 90 दिन बाद लगाएंगे। तो तीसरा पानी जो है वो दाने के इब्तदाई मरहले में, जब दाना हमारा बन रहा होता है, दाना दूधी हालत में जब होता है, उस वक्त हमारी जो गंदम की जो फसल है वो 125 से 130 दिन की हमारी हो चुकी होती है, तो उसके बाद हम तीसरा पानी लगाएंगे। तो मुझे अच्छी वीडियो के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल को, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन बाय तासीन। शुक्रिया।